अब तो खत्म भी हो गए बना के। अरे हमारे सारे खत्म हो गए। ये थोड़े गर्म है अभी। ये तो अभी डाले है ना। ऊपर के हम तो बोल रहे थे मसाला ज्यादा हो गया। याद रहेंगी ना हमारे हमने मोमो बनाए थे। मोमो के मैं तो बोल रहे थे दे दो, मैंने बोला आरिश मार दे जा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज 31st है, तो आज है हैप्पी न्यू ईयर। 12 बजे के बाद तो भी टाइम हुआ है 11:30। तो हम लोगों ने व्लॉग भी शूट किया था थोड़ी देर पहले। हम लोग आंटी के घर गए थे, तो हम लोगों ने मोमोज बनाए थे। हमें थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। तो अभी इसके पापा नहीं आए ऑफिस से, क्योंकि 31st को तो पार्टी होती है, तो वो लेट आएंगे 12 बजे के बाद। और मैं और नाइशू यहाँ पे अपने बिस्तर पे आके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग इसको सुला दूंगी मैं। फिर उनका वेट करते हैं और हम लोग कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, तो बस ऐसे ही सिंपल। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेशन करोगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ना शुभ बोलो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एडवांस में, हैप्पी न्यू ईयर। तो बीच में कॉल आ गई थी इसलिए मुझे थोड़ी कट करनी पड़ी वीडियो। तो अभी हम लोग सो रहे हैं, तो 11:40 हो चुके हैं वैसे तो, पर अनशा को नींद आ जाएगी। तो हैप्पी न्यू ईयर बोलो नशु हैप्पी इन एडवांस। न्यू तो हम लोग देहरादून वापस आ गए हैं, तो जो पिछले व्लॉग है वो मैं डालती रहूँगी। पहली बार व्लॉग तो पहले आ जाएगा। तो हम लोग कल ऑफ भी है, संडे भी है कल। ये न्यू ईयर की शुरुआत संडे से हो रही है, तो खुशी खुशी हो सबकी शुरुआत, अच्छे से साल जाए और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हो इसकी अगली न्यू ईयर की शुरुआत। तो बस यही दुआ करते हैं हम लोग। और बाकी तो कल देखते हैं क्या होगा, कल शूट करेंगे तो क्या प्रोग्राम होगा कल ही पता चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग सो जाते हैं और इसको मैं सुला देती हूँ। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। हाय फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बफे दिखाया, मैं दिखाता हूँ आज यहाँ पे लाइव बैंड आया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए चुका है 1 o'clock और मैं जा रहा हूँ घर। मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम यहाँ पे कितना कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज का व्यू है। मैं होटल से निकलने ही वाला था, ये होटल का व्यू है, कितना कोहरा पड़ा हुआ है देहरादून में। और ये होटल में
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है टॉप पे, और ये कोहरा पड़ा है देखना, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और ये रात को 2:30 बजे आए हैं, और उससे सुबह हम लोग लेट उठे, तो अभी टाइम हो चुका है 10। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा कर दिया है और नए साल की शुरुआत हुई है लेट उठने से। तो आप सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सबके 2023 सबके ये अच्छा आए। तो अभी शाकू केक लेके आए थे ये, तो हम नशा सो गई थी तो काटा कट नहीं करा, तो नशा को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है इसको कट करने की। छोटू सा केक लेके आए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके आए, तो ये लोग कट करेंगे दादू और नशा। और बिल्कुल बहुत छोटू सा है तो बहुत क्यूट साइज में लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर अनायशा। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं और दिन कैसा जाता है वो आपका शेयर करेंगे। इस कैंडल लगा दिए, 3 कैंडल लगाई है। तो अनायशा का बर्थडे भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो अनायशा इसको कट करेगी। दादू बैठो, इधर देखो, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, Happy New Year, दादू इधर देखो, हेलो दादू को दे दो, अरे स्पून दे तू, रहने दो। पीछे जा कहा दिख रहा है Happy New Year, बोलो। हेलो गाइस, तो केक कटिंग वगैरह के बाद हम लोग थोड़ी देर बाद धूप सेकने गए, और हम लोग नीचे घूम रहे थे, तो वहाँ पे जो ये बेचने वाले नहीं आते ये फेरी वाले, वो आए, अब वो आ गए, और हम लोगों ने परचेजिंग की उन लोगों से। तो हमारा जो न्यू जो नए दिन की शुरुआत है आज परचेजिंग से हुई है। तो एक मैंने ये लिया है गरम गिलाफ जो डबल बेड की ब्लैंकेट का होता है, और हम लोगों ने हीटर लिया है, एक ये हीटर लिया है आज, ये वाला हीटर, और एक दो कंबल लिए हैं सिंगल बेड के जो गर्म वाले होते हैं, इस तरह जिस तरह का गिलाफ उस तरह के कंबल होते हैं। तो हम लोगों ने आज इतनी सारी परचेजिंग की, हीटर तो हम लोगों ने कैंटीन से लिया है, और बाकी चीज़ तो हम लोग यहाँ से इन घर से जो बेचने वाले आते हैं तो उनसे लिया है। तो आज संडे का दिन है और नए दिन की शुरुआत हम लोगों ने की है परचेजिंग से। ये इस तरह का हीटर है, कुछ ही सूर्या कंपनी का है, तो वह ठंड ज़्यादा हो गई ना क्योंकि अनायशा को ठंड ना लग जाए, इस वजह से हम लोग ने हीटर लिया। तो कैंटीन बंद थी पिछले 2 दिनों से, तो आज खुली है कैंटीन, तो वहाँ से लिया हम लोगों ने। तो कैंटीन का प्राइस और मार्केट का प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, इसलिए हम लोगों ने कैंटीन से लिया। तो अभी हम मेरे कुछ भी काम नहीं किया, हम लोग जब से सुबह से धूप सेक रहे हैं बाहर बैठ के और परचेजिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों को एक बच्चू का है, अब मैं अंदर आया, अब मेरे पास बहुत काम है करने को, कपड़े धोने हैं, अभी अनायशा के लिए मैगी बन रही है। और आज के दिन ही हम लोगों का सिलेंडर ख़त्म हुआ है, तो ख़त्म हुआ था, फिर दूसरा सिलेंडर लगाया अभी थोड़ी देर पहले, तो उससे मैगी बन रही है और फुल सिंक भरा हुआ है बर्तन से, लेकिन चाय वगैरह भी और बनाई थी क्योंकि अंकल आंटी भी आए थे बैठने, तो फिर बातों में बहुत टाइम हो गया। तो गाइस इस तरह से हमारी आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं और इसके बाद कैसा होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो इस वीडियो का मैं यहीं करूँगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और नए साल में मुझे बहुत ढेर सारा प्यार देना मेरी वीडियो को जैसे आपने लास्ट ईयर दिया है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि लंबा ब्लॉग फिर देखने में मज़ा नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।